डीलिंग रूम से भी कुछ खबरें हैं जो शरद हम तक कंपाइल करके लाए हैं हमारे खास सेगमेंट खबर गरम है में। शरद बताएं कौन सी खबरें आज आपके पास? कौन सा जी? बिल्कुल, जो पूरी जो बात हो रही है एक चीज सेगमेंट में हमने जो है पॉइंट आउट किया था मार्च 27 को एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स, और उसमें जो है उस दिन से लेके अब तक जो है 20% से ज्यादा का इजाफा देखने मिला है, और एनालिस्ट का मानना है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है उस पर कर लीजिए। और हमारी जो खबर थी यह थी कि ये बड़ी जो है ऑर्डर एक्सपेक्टेड है इन कमिंग डेज, तो उस पर ज़रूर फोकस रखेगा। लेकिन आज जो है हमारी डीलर्स के साथ एनालिस्ट के साथ बात हुई है, तो वो कौन से अहम स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे? सबसे पहला आता है कैम्प्लास सानमार, और यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कस्टम ड्यूटी है पीवीसी प्राइस के लिए वो बढ़ सकती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रिएक्शन जो है पीवीसी प्रोड्यूसर्स को देखने मिल सकता है, और ऑफकोर्स स्टॉक में देखें तो सबसे ज़्यादा इजाफा 15 हफ्ते में देखने मिला है, और पिछले 5 सेशन में भी 14% का जो है टोटल गेंस देखने मिला। लास्ट मंथ HDFC म्यूचुअल फंड ने भी जो है यहाँ पर स्टेक की जो है बाइंग की है, लगभग आप कह सकते 50,000 शेयर्स की जो है एक्विजिशन हुई है। लेकिन दूसरा स्टॉक फोकस में कौन सा रहेगा? वो है ONGC। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की जो है बाइंग देखने मिल रही है, और अगर लंबे अवधि के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि जो रीसेंट गैस प्राइसिंग हुई है उसके चेंजेस से जो है लॉन्ग रन में बेनिफिशियल ज़रूर रहेगा, हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रेशर रहेगी। और म्यूचुअल फंड हाउसेज की अगर बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं ONGC में, तो ये दो स्टॉक्स जो है आज आपके रडार में होने चाहिए। दो स्टॉक खबर गर्म है, डीलिंग रूम चेक करके लेके आए हैं शरद, और जहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको राय दे रहे हैं, उनके बारे में खबरें भी शेयर कर रहे हैं।